जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहले आपको बहुत बहुत मेरी तरफ़ से और मेरे चैनल की तरफ से ईद मुबारक। और मैं हूँ आज इस्तांबुल में, बहुत ही प्यारा दिन था ईद का, तो मैंने सोचा कि आप दोस्तों के साथ एक वीडियो शेयर कर दूँ। ये एमिनोनो है, ये शिप, यहाँ शिप जो है, शिप का जो टूर आपने लेना हो तो आपको यहाँ से टूर मिलेगा, ठीक है। ये जो शिप होता है, ये तकरीबन 20 से 30 मिनट का टूर होता है, ठीक है। एक साइड पे आपको लेके जाता है और दूसरी साइड से फिर आपको जो है ना लेके वापस आता है। तो इसकी टोटल कास्ट होती है तकरीबन 20 से 30 तुर्कश लीरा, इतनी ज़्यादा नहीं होती। मेट्रो कार्ड इसमें यूज़ होता है, ठीक है। तो ये जो एरिया है, ये मशहूर है मिनोनो का एरिया है, जहाँ से टोटल शिप जाते हैं बस्पोरस वाली साइड पे, ठीक है। एमिनोनो से दूसरी जगहों पे जाते हैं। तो इनका जो जैसे मेट्रो का कार्ड लगता है, वैसे ही इनका लगता है, ठीक है। ये सरकारी शिप है, तो अगर आपने प्राइवेट टूर लेना हो तो वो आपको महंगा मिलता है। ये देखिए, आपको काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट हैं, ईद का दिन है और लोग इंजॉय कर रहे हैं। ये जो एमिनोनो का होटल एरिया और शिपिंग एरिया है, ये देखिए इतना प्यारा व्यू था, तो मैंने सोचा कि आप दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करूँ। देखें लोग जो है ना इंजॉय कर रहे हैं, होटलों में खा रहे हैं, ठीक है। ये टोटल जो बैठे हुए हैं टूरिस्ट बैठे हुए हैं, ठीक है। और साथ समुंदर का नज़ारा, बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू था। काश आप कभी तुर्की आएँ तो इस व्यू को इंजॉय कर सकें। बाकी इस्तांबुल टर्की बहुत ही खूबसूरत है, माशाल्लाह, ठीक है। यहाँ जो एक बार आ जाता है उसका दिल नहीं करता वापस जाने को, इतना खूबसूरत नज़ारा है टर्की का। मैं वॉक पे जा रहा हूँ, ये देखिए समुंदर है, ठीक है, और ऊपर पुल ब्रिज है और नीचे से शिपें गुजर रही हैं। ये बहुत ही प्यारा व्यू है, यकीन करें। आप कभी टर्की आए तो इस व्यू को, एमिनोनो इसका नाम है, एमिनोनो का बहुत ही साहिल मशहूर है। ये देखिए, मैंने उस ब्रिज पे जा रहा हूँ, ब्रिज से नीचे से शिपें भी गुजरती हैं, और ये देखें पीछे आपको टोटल ही जो है ना लोग एंजॉय करते हुए नज़र आते हैं। ये देखिए, मैं थोड़ी सी वॉक कर रहा हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। यहाँ पे यानी कि यूरोप के लोग, कनाडा, अमेरिका, पूरी दुनिया से लोग यहाँ पे आते हैं सियाहत के लिए, ठीक है। तरह तरह के लोग आपको मिलते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि आपके साथ थोड़ी सी वीडियो शेयर कर दूँ। ईद का दिन इतना रश था, लेकिन आम दिनों में भी इतना ही रश होता है टर्की इस्तांबुल में, ठीक है। एकदम से मौसम बहुत ही प्यारा था, धूप थी, और एकदम से फिर जो है ना बारिश शुरू हो गई, ठीक है। तो ये देखें लोग जा रहे हैं, लोग इंजॉय करते हैं समुंदर पे जाके, बीच पे बैठ के धूप को, क्योंकि इस्तांबुल में आजकल धूप बहुत कम निकलती है, ज़्यादा बारिश ही होती है, तो इस वजह से लोग धूप को इंजॉय करिए। देखें ट्राम जा रही है, बड़ा प्यारा व्यू है, ठीक है। नीचे समुंदर, ऊपर ब्रिज, शिपें और ट्राम, यानी कि बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारा है ये। आप जब भी कभी तुर्की इस्तांबुल में आएँ, एमिनोनो और तकसीम ये ज़रूर विज़िट करें। लोग जा रहे हैं एक तरफ से दूसरी तरफ, वो पीछे आपको गलाटा टावर नज़र आ रहा है। लोग पैदल चलते हैं अक्सर, जो फिट होते हैं वो अक्सराय से लेके ब्लू मास्क, उसके बाद एमिनोनो, गलाटा टावर, तकसीम पैदल ही वॉक करते हैं, ठीक है। तो आप जब इस्तांबुल आएँ एक मेट्रो कार्ड ले लें और आप बहुत सस्ता सफ़र करेंगे। जी दोस्तों, मैं इस टाइम हूँ तकसीम मैदान में। ये तकसीम का मैदान है, बहुत ही मशहूर मैदान है, जो भी टूरिस्ट आता है ज़्यादातर तकसीम मैदान और अक्सराय में आता है, ठीक है। तो ये मैदान है, मैदान को ईद की वजह से ये देखें झंडे सजाया हुआ है मैदान को, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत व्यू था, ठीक है। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप दोस्तों को भी अंदाज़ा हो सके कि तुर्की भी यूरोप से कम नहीं है, तुर्की भी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है, ठीक है। ये मैदान है, टूरिस्ट इस जगह पे ज़्यादातर पिक्चरें यानी कि बनवाते हैं, ठीक है। ये बिल्डिंग आपको बड़ी नज़र आ रही है, तकसीम की निशानी है, ऊपर झंडा लगा हुआ है। लोग यहाँ भी बैठ के धूप सेक रहे हैं, और यहाँ से मौसम तब्दील हो जाएगा और अचानक ही बारिश स्टार्ट हो जाएगी। टर्की के मौसम का कोई पता नहीं चलता कब बारिश हो जाए, कब जो है ना मौसम बदल जाए।
ये दोस्तों तकसीम इस्तांबुल तकसीम मैदान है, ठीक है, और ज़्यादातर लोग यहाँ पे जो है ना इंजॉय करने आते हैं। आम दिनों में भी यहाँ पे बहुत ही रश होता है। ये पीछे मस्जिद है बहुत ही प्यारी तकसीम मैदान में, माशाल्लाह यहाँ पे मस्जिद जो बहुत प्यारी होती हैं, मस्जिदें जो हैं। ये पीछे फैमिलियाँ अपनी पिक्चरें बना रही हैं और मैदान में जो है ना लड़के बैठे हुए हैं, धूप को एंजॉय कर रहे हैं। इस्तकलाल स्ट्रीट, ये इस्तकलाल स्ट्रीट है, ये मशहूर जो है ना स्ट्रीट है, यहाँ पे लोग काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग और खाना वगैरह यहाँ पे खाते हैं, ठीक है। अक्सराय, ब्लू मास्क, एमिनोनो, तकसीम और गलाटा टावर, ये टर्की की मशहूर जगह है, ठीक है। ये देखें स्ट्रीट का व्यू, देखें माशाल्लाह कितना खूबसूरत है। और बारिश शुरू हो गई है, देखें अचानक ही बारिश शुरू हो गई है और लोगों ने छतरियाँ लेना स्टार्ट कर दी हैं। छतरियाँ यानी कि वो अपने साथ ही रखते हैं, और बाज़ार में भी जो है ना सेल होती हैं, आपको हर सूरत मिल जाती है यहाँ से। ये देखें बड़ा ही ज़बरदस्त खाना बन रहा है पीछे, जो आपने खाना हुआ आप ले सकते हैं, लेकिन है थोड़ा महंगा, ठीक है। ज़रा VIP रेस्टोरेंट है तो खाने शाने यहाँ पे तकसीम वगैरह में ज़रा महंगे ही होते हैं। बाकी मैं वॉक कर रहा हूँ तो बारिश स्टार्ट है, लेकिन मज़ा बहुत आया ईद के दिन। मैंने ये जो है ना जो टूर किया मुझे बहुत मज़ा आया। मैंने फिर सोचा कि आप दोस्तों के साथ भी एक वीडियो शेयर कर दी जाए, ताकि आपको भी जो है ना इस्तांबुल और टर्की की खूबसूरती का अंदाज़ा हो सके। इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, ठीक है, हांगकांग, जापान, फिलिपाइन, अमेरिका, कनाडा, मेक्सिको, ब्राज़ील, ठीक है, यूरोप, फिनलैंड, नॉर्वे, रशियन बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पे, ठीक है, उज़्बेकिस्तान, सारी दुनिया से यहाँ पे लोग आए हैं, ठीक है, इंजॉय करते हैं। तो आपको यहाँ पे जब लोग तरह तरह के नज़र आते हैं ना, तो आप खुश होते हैं यार कि माशाल्लाह जो है ना अल्लाह की कुदरत और अल्लाह ने जो इंसान बनाए हैं वो कितने खूबसूरत हैं, ठीक है। आपको असल आके इधर पता चलता है। अक्सर जो नए लोग आते हैं यहाँ पे माहौल देखते हैं तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, कि ये बन क्या गया, ठीक है। लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह टर्की बहुत ही खूबसूरत है। जब भी आपका चक्कर लगे आप टर्की ज़रूर विज़िट करें। अगर आप एक दफ़ा आ गए तो आपका वापस जाने का दिल नहीं करेगा, ये मैं आपको पहले बता देता हूँ। ज़्यादातर यहाँ कपल ही आते हैं, ठीक है, कपल जो है ना विज़िट करते हैं, तो फैमिली और कपल जो है ना ज़्यादातर यहाँ पे जो है ना आपको नज़र आएंगे। बाकी यहाँ पे जो मशहूर एरिया हैं, टर्किश लोग यहाँ पे कम होते हैं, टूरिस्ट ज़्यादा होते हैं, ठीक है। ये बड़े बड़े आपको शॉपिंग मॉल और जो ये शॉपें नज़र आ रही हैं, यहाँ से लोग शॉपिंग करते हैं। ये मशहूर स्ट्रीट है टर्की की तकसीम की, वो सामने सीधा चलते जाए तो आगे जो है ना गलाटा टावर आ जाता है। तो उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कोई भी टर्की के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई टूर प्लान चाहिए तो आप मुझे बताएं, मैं इंशाल्लाह आपको गाइड